कोरोना कोरोना पक रही ने पॉजिटिव पॉजिटिव कर रही ने कभी जाके देखो तो सही कि जिन्होंने कॉन्ट्रेन किया पॉजिटिव आए वाले उन्होंने दवाई की दी जाती है। जलंधर शहर के एक बहुत नामवर डॉक्टर के उपर इस चीज़ को लैके बड़े गंभीर आरोप लगे। सिविल हॉस्पिटल दीयां टीमां ने प्रेशराइज करके उन्होंने मजबूर किया कि वो अपना घर अपनी कोठी होने के बावजूद क्वारंटाइन होने वास्ते होटल च जान और जिस होटल च भेजा गया उस होटल की औकात उन्नी नहीं सी जिन्ना किराया उन्होंने को वसूल किया गया और उस होटल के सफाई करने वाला भांडे मांजन वाला रोटियां पकाने वाला और दे के जाने वाला एक ही आदमी। मैं तो अपना गुरप्रीत सिंह संधू ते असीं हाजिर हाँ अगली विचार चर्चा लैके जिमें कि असीं सारे जानते हैं कि करोना करोना रोज़ का रोना बन के रह चुका है और ये नजिठण वास्ते जिते सरकार आपो अपने ढंग की रणनीति अपना रही ने जिथे दवाइयां हले दियां तैयार हो रही ने वो भी विवादों च ने तो सरकार किस ढंग नाल हथ कंडे अपना रही है सरकार जो कोशिश कर रही है किहो जी कोशिश कर रही है ये सारे ते विचार चर्चा करने साडे नाल ने संपादक पंचायतनामा अर्जुन शर्मा जी। तो अर्जुन जी आप जाना कि तुसीं किस तरह देख रहे हो कि जो सरकार पंजाब दी सरकार खास तौर पर रणनीति अपना रही है तो जलंधर की गल करिए जलंधर का प्रशासन है ना ऑड ईवन तो वो की फार्मूला है वो तुहानूं लगदा पंजाब च जिहड़ा सक्सैस होएगा भी अद्धियां दुकानां खोल दे अद्धियां बंद कर दे। असल दे विच संधू साहब ये सारे सिलसिले दे विच जिहड़ी गल याद रखण वाली है ना वो ये है कि करोना वर्गी महामारी का साडी प्रशासनिक तंत्र नूं ना तो कोई पहले का तजर्बा है और ना ही कोई इन्हां दी ट्रेनिंग दे विच इस किस्म के कोई चैप्टर्स ने इस किस्म का कोई सिक्ख्या दी जाती है कि इहो जी बीमारी अगर आ जाए या इहो जे हालात आ जाए तो उन्होंने निपटा कैसे जाए जी बहुती गल है। तो चैप्टर विच होएगा जी हड़ आ गए मीह ज़्यादा पै गए या भूचाल आ गया इन्हां चीज़ां को स्टडी करते हैं IAS अफसर उन्होंने पुराने जोड़े तजर्बे है पुराने अफसरों के लिखे हुए उन्होंने खंगालते हैं पढ़ते हैं उन्होंने कोई ना कोई तरीका कढ़ मतलब जिहड़ियां आफतां आउंदियां रहिंदियां संसार दे उहदा नजिठण दी लगभग तैयारी हुंदी है लेकिन इस किस्म की आफत की कोई तैयारी नहीं सी ना कोई ट्रेनिंग सी इसलिए बिना ये जाने बिना ये समझे कि ये बीमारी की है इसदा इलाज की है या इसदा सिम्पटम्स एक्चुअल की है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੈ ਇਹ ਡੇਲੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਔਡ ਈਵਨ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਔਡ ਈਵਨ ਔਰ ਇਸ ਔਡ ਈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਔਡ ਈਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 3 5 7 9 तो दूजे दिन 2 4 6 8 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ ਨੰਬਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਆਡੀ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਆਡੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਰੈਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਮਾਈ ਹੀਰਾ ਗੇਟ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਈ ਹੀਰਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਟਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਧੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਰਸ਼ ਪਾਤਾ ਔਰ ਅੱਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ इस मूर्खता भरे फैसला जिहड़ा ना उन्होंने देख के हसा नहीं पर ये एक चीज़ है कि जिहड़ियां दुकानां बंद कीतियां ने अलग अलग कारोबार नाल संबंधित ने कि इस कारोबार दीयां दुकानां इस दिन खुलणगीयां तो सानूं लगदा कि जिहड़े आम लोग ने साडे पिंडां तों बहुते लोग आउण वाले ने जां शहर दे वासी तो चलो नेड़े आउंदे ने वो थोड़ा पता कर लैंदे ने पर जिहड़े दूरों लोकी आउण वाले ने उन्हां दा वो बकायदा जिहड़े प्रशासन के ऑर्डर को रखने पैणगे वो गिण गिण के देखणगे चैक करनगे किहड़ा कि दिन अज चीज़ लैण जाणी है किहड़े दिन खुलदी है किहड़े दिन नहीं खुलदी जे उस दिन समा ना होया बंदे कोल आउण दा ते इहदा मतलब लै नहीं पाएगा खरीद नहीं पाएगा चीज़ नहीं। इस किस्म की जिहड़ी है ना जिहड़ी डिमार्केशन की जा रही है या नवे नवे फार्मूले लिया के ये दिखाया जा रहा है कि प्रशासन कम करता पाया प्रशासन कम कर रहा है प्रशासन ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ कमरे च बह जाते हैं एयर कंडीशन के चार अफसर बैठे बैठे जो दिमाग च आइडिया आ गया और चलो फलाना वाला अपलाई कर लेने वो चक के अपलाई कर लेंगे। तुहानूं की लगता होना की चाहिए प्रशासन की करना चाहिए? देखो मैं तो दसा पाकिस्तान के जो ये प्रॉब्लम आई तो उस वेले इमरान खान का जो रवैया सी सारी दुनिया ने पसंद नहीं किया, सब ने कहा कि ये ठीक नहीं कर रहा। उस आदमी का सीधा लॉजिक सी कि साडी जनता जिहड़ी है वो लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकती, साडी इकोनॉमी पहले ही इतनी बुरी तरह टुट चुकी है जी कि अगर असीं लॉकडाउन कर देता तो लोगों को करोना का तो पता नहीं मौत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन भुखे मर जाएंगे। इस करके उन्होंने बहुत लिमिटेड किस्म का इहदा असर रखा जी और असीं देखा कि कोई पाकिस्तान च उहदा इदां दा बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होया जिन्हों बहुत ज़्यादा इफेक्ट तुसीं कह सकते हो, मतलब जिस तरह लग रहा सी सोच रहा सी कि बहुत सारा लोग मर सकते हैं या नुकसान हो सकता उस तरह का नहीं होया। वही सीधी जी गल है सानू साहब ये गल प्रूव हो गई है कि हिंदुस्तान के लोग जिहड़े है खास तौर पर पंजाब के लोग जिहड़े है नाल दे जिहड़े स्टेट है राजस्थान है हरियाणा है इम्यूनिटी के मामले च इन्हां दी बहुत स्ट्रोंग है। पर हुण तो पिछले कुछ दिनों तो जिथे मरीजों की गिणती वधी है खास तौर पर जलंधर वर्गे शहर आप गल करो मौतों की गिणती वधनी शुरू हो गई है तो वो मद्देनज़र की किया जा सकता? हर मौत को करोना के खाते पा के देखना ये मैं नहीं समझता कि बहुत सियानी गल होगी। मौत की देखो एक उम्र है, एक अगर 70 साल के डॉक्टर की डैथ हो गई उन्होंने अपनी शुगर की बीमारी भी हो सकती है, उन्होंने हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। पर सामने तो यह आ रही खबर तो यह आ रही कि करोना के कारण मौत हुई है। देखो करोना हूँ जिदा अतवाद के टाइम से बंदा कोई भी मार जाता सी ना तो अतवादियों के खाते पैंदा सी। अच्छा तुहानूं लगदा कि करोना के खाते बहुत सारा कुछ बहुत पै रहा कई मैं तुहानूं उस टाइम के कुछ ऐसे नामवर अतवादी सी जिहड़े किसी बहुत बाद मिले और उन्होंने दसिया कि असीं तो 2 बंदे भी नहीं सी मारे पर सानू पता नहीं कि सानू शतकवीर कदों बनाता पुलिस ने। तो ये तुहानूं की लगता कि जिहड़े ये काम चल रहा वो तो असीं पुलिस का काम पर हुण इत्थे पुलिस का नहीं डिकलेयर कर रही, इत्थे डॉक्टर ने साडे डॉक्टरां नूं तां साडे समाज दे विच बड़ा कहिंदे दूजा रब भी कहा जांदा। तुहानूं की लगता कि जिहड़े ये रब ने किते ना किते इन्हां दे विच कोई इस वर्ग दे विचों कुछ कालियां भेडां इस वर्ग दे करके ही तां मौतां ज़्यादा हुंदियां सी। जदों लॉकडाउन लग्या उस तों बाद जो एनालिसिस सामने आए है ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਕਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਫੈਕਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 19 ਜਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ वो 15 तो 18-19 जी। लॉकडाउन के दौरान 2 तो 3 रह गई, वो 2 तो 3 कितना रह गई? वो पिछे ये लॉजिक है कि एक तो रोड एक्सीडेंट खत्म हो गए क्योंकि रोड के उपर कोई चलता नहीं सी और दूसरा जिहड़ियां बाकी मौतां सी वो हॉस्पिटल्स दे विचों जिहड़े मरीज भर के आउंदे हुंदे सी उन्हां दीयां गिणतियां सी इलाज दौरान जिहड़े लोकी जिहड़े मर जांदे सी बाकी इलाज करदे। सरकार ने जदों ये करता कि तुसी इलाज करन तो पहला सानू डाटा दिओ कि तुसी की करना चाहते हो तो वो मौतां भी घट गई लगभग जीरो। तुहानूं की लगता कि ये जिहड़ा करोना का काल है जिवें अक्सर तुसीं भी इस गल नूं कहदे कि ये कुछ चीज़ां जिहड़ियां पॉजिटिव भी सामने आउणगीयां, तुहानूं की लगता कि इहदे विच्चों कोई जिहड़ी सरकार दी नीति कोई रणनीति अजिही सामने आ सकती है जिहड़ी जिहदे नाल कि डॉक्टर वर्ग ते भी थोड़ी लगाम लगे और नाल दी नाल लोकां नूं भी कोई फायदा होवे उहनां दी जेब जिहड़ी ना कट्टी जावे। इस वेले ते डॉक्टर वर्ग जिहड़ा है वह करोना का लाभ उठाने के चक्कर च साफ गल है जलंधर शहर के एक बहुत नामवर डॉक्टर के उपर इस चीज़ को लैके बड़े गंभीर आरोप लगे ने और एक बहुत जिम्मेदार सियासतदान ने आरोप लगाए और अज भी उन्होंने आरोपों पर स्टैंड करता है जी। ठीक है जी। सवाल ये है कि मेडिकल फैसिलिटी के नाँ से एडे एडे वड्डे जिहड़े हॉस्पिटल खड़े किए गए हैं हुण उन्हां दे खर्चे चलाने वास्ते इन्होंने अनएथिकल काम करने पैंदे। ठीक है जी। गल ये है कि एक कोई वेला सी जलंधर नूं मैडिकल हब के तौर पर एक मानता मिल गई सी क्योंकि कनेडा तो इंग्लैंड तो अमरीका तो जो पेशेंट से उधर उन्होंने पाउंड और डॉलर्स दे विच इलाज कराना पैंदा सी और वो जिहड़ियां एजेंसियां जिन्होंने उन्होंने इंश्योरेंस की सी उन्होंने लगता सी कि इतने सस्ता है और इतने हो जोड़े पैकेज से हॉस्पिटल के पैकेज चलते थे पैकेज के लिहाज उन्होंने को बल्क ग्राहक आते सी अपना काम कराते ही तो जहाज़ा चल जाता जी अंबरसर। ये तो गल हो गई जी NRI की जी। आप गल करनी चाहेंगे कि जो लोकल लोग ने बेशक शिकायत बहुत आ रही ने प्राइवेट हस्पतालों के विच हर कोई व्यक्ति शिकायत जरूर करता बाहर आके कि मैंने लुट लिया मेरे को अनसैसरी मेरे को ज़्यादा पैसे ले ले पर फिर भी दूजे पासे आप गल कही तो जिथे सरकारी अपने तौर पर जो सहूलतां ने वो लैंड की थां ते लोग फिर भी प्राइवेट हस्पताल जाना जो उन्होंने तरजीह दे रहे हैं। तो तुहानू भी लगता कि इस चीज़ तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा कोई सरकार कढ़ेगी कुछ कर पावांगे कि नहीं कर पावांगे? सरकारी तंत्र का सुन लो साहब की चल रहा अज तो 20-22 दिन पहले की गल है एक नौजवान आस्ट्रेलिया तो आया वो तुहानू असीं उहनां नूं पेश करांगे वो मुंडा तैयार है गल करन वास्ते वो आस्ट्रेलिया तो आया तो दिल्ली दे विच जिहड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उत्थे उहने देखा कि हॉल दे विच हज़ारां बंदे तूड़े हुए है और 12-12 घंटे की वेटिंग है वो कल्ले-कल्ले नूं चैक करन दी जिहड़ी फॉर्मैलिटी की जा रही सी ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦੇਗਾ ਲੇਕਿਨ 12 ਘੰਟੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਔਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਔਕਾਤ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और उस होटल के सफाई करने वाला भांडे मांजन वाला रोटियां पकाने वाला और देके जाने वाला इको ही आदमी और उन्हें कोई हत्थों के दस्ताने तक नहीं पाए हुए। असी कोरोना के जोड़े सस्पैक्टड पेशेंट है वो तौर पर उन्होंने क्वारंटाइन करते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल तो वो कोल जान तो पहला तो अपने आप को ढकना पैंदा है पर उत्थे वीडियो ने कि कोई इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखा गया रोटियां हत्थों नाल फड़ के दूजे हाथ अगले दिन रोटियां रखण दे ने। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ तो शर्मा जी इस तरह लगता कि साढ़े तंद ही नहीं कहते तानी उलझी हुई है तो अक्सर असी कह दें जो कोई सियासतदान नेक नीति ना काम करता अगे आता असी कहने कला की कर लू क्योंकि थले जो ताना बाना वो ज़्यादा बिगड़िया होया। तो की कोई आस नहीं किरण नज़र आती आस की इस करके किरण नहीं नज़र आती क्योंकि इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर जोड़े सरदार अमरिंदर सिंह जी ने वो अंदर बैठ के अंदरों ऑर्डर तो ऑर्डर पास करी जाते हैं फतेह का बोर्ड लाता जी वही कोरोना से फतेह पानी है पर कोई लीड करने वास्ते मैदान च नहीं उतरे और एक जगह भी ऐसी जगह नहीं जाके आप उन्होंने ध्यान दिता जिथे इस मतलब तुहानू लगता फतेह का जयकारा तो छड़ दिता पर कोई जथेदार नियुक्त नहीं किया तो ना ही जथेदार बन के अगे नितरे क्योंकि जथेदार ने साढ़े वे आगू ने साढ़े जथेदारी वाला रोल नहीं निभाया उन्होंने अगे होकर नहीं मैनू लगता फतेह वाला शब्द भी सेनापति ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਣਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ कोई बहुता इस चीज़ को किसी ने इशू बनाया नहीं क्योंकि डराता गया असल च की है कि चार बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते हुण जिन्हें कोई प्रदर्शन करना है जिन्हें कोई धरना लाना है जिन्हें कोई विरोध करना उन्होंने इकट्ठा तो होना पएगा ना उत्थे तो कहता कि बीमारी है जी उन्होंने पता परचे हो जाने पर हुण तां जिहड़े MLA भी काफ़ी ने जिथे ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ कोरोना आप करी जाने पॉजिटिव करी जाने कभी जाके देखो तो सही कि जिन्होंने कॉन्ट्रेन किया पॉजिटिव आए वाले उन्होंने दवाई की दी जाती है पैरासीटामोल की गोली दे दो विटामिन सी की गोली दे दो ठीक है जी गर्म पानी देना जी पिला दो लंगर दवाई रोटी खवा दो होर उन्होंने देंगे की पे ने। हुण तां सोशल मीडिया उत्ते भी आ गया जी कि ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਟਲੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ठीक है जी, काफ़ी समा हो गया, मैंने लगता कि हुण असीं अपनी गलबात इत्थे विराम दिंदे आं, लेकिन इस गल दे विचों सानूं इह गल बिल्कुल परतक सामने आउंदी है कि सानूं जिहड़े भ्रिष्टाचारी निज़ाम है ਉਹਦੇ ਨਾਲ खुद ही लड़ना पेगा, सानू खुद ही जागरूक होना पेगा, सानू समझना पेगा कि असी लोग जिहड़े आ ओह की रणनीति अपनाउण। साडे नाल गलबात करन लई बहुत बहुत धन्नवाद, शुक्रिया, मिहरबानी।